पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, मालूम नहीं इंसान गुनहगार क्यों है। लगता है बिजली वाला सामान लेकर आ गया। बाप रे, मैंने तो दरवाजा भी बंद नहीं किया था। शुक्र है वो अंदर नहीं आया। कुछ ही दिन की तो बात है, हम भी अपना घर बसाएंगे। जल्दी करना। जल्दी करना। बटन बंद कर। अब जा तू। ठीक है ठीक है। जल्दी करना। ठीक है जा रहा हूँ। अब जा, बाद में बताऊंगी कि क्या करना है। आ गए तुम? जी मैडम। ठीक है, काम शुरू करो। जी मैडम। वाह वाह, क्या कातिलाना अंदाज है मोहब्बत का। हुँ, हुँ। क्या स्टाइल है कातिल हसीना का, और क्या दिमाग पाया मेरी जान ने। अब तो मेरे को भी इसी अंदाज में प्यार करेगी। मैं भी प्यार चाहता हूँ। मैं भी तुझे बहुत प्यार करूँगा। भेज दे पप्पू तेरे बिन रहा न जाए। आजा आई बहार दिल है बेकरारो। गया। हेलो मैडम जी, एक प्राइवेट वीडियो भेजा है आपको, प्लीज देख लीजिएगा और बताइएगा शूटिंग में कोई कमी तो नहीं रह गई। और फोन करिएगा, मेरे फोन में ना बैलेंस कम है, मैं इंतजार करूंगा प्लीज। हे भगवान, हेलो, बड़ी जल्दी देख लिया, पूरा नहीं देखा क्या? मैडम जी, वीडियो कैसा लगा? कौन हो तुम? आपका चाहने वाला मैडम जी, वैसे आपने बताया नहीं कि आपको ढिंचक ढिंचक वाली वीडियो कैसी लगी। तू जो भी है मैं नहीं जानती, ये वीडियो डिलीट कर वरना। वरना क्या मैडम जी? बोलना बोलना
बोलना मैडम जी। चुप क्यों हो गई तू? तू किसे कह रहा है हरामजादे? चुप साली। नहीं तो फोन से निकल कर मारूंगा। मैं जानता हूँ जिस गंदी नाली का मैं कीड़ा हूँ, तू और तेरा आशिक उसी गंदी नाली में पले हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई तू? सच्चाई कड़वी लगी ना? हाँ बोल 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 मेरी जाने बाहर गुल बदन गुल गुलजार। बोलना 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 बोल 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 बोल। तू बिजली वाला है ना जो कल आया था? वाह मैडम जी, आप तो एकदम सही पहुंच गई मुझ तक। मान गए आप इंटेलिजेंट यानी होनहार है। होना भी चाहिए यदि पति की गैर मौजूदगी में इश्क का मजा अपने आशिक के साथ रहना है तो थोड़ा तो इंटेलिजेंट होना ही चाहिए, है ना मैडम जी? ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लेना। तुझे मेरा नंबर कहां से मिला? याद करो मैडम जी, याद करो, याद आ जाएगा, याद आ जाएगा, याद आ जाएगा मैडम जी, याद आ जाएगा। मैडम जी मैंने अपना फोन के रख दिया है, आप प्लीज एक बार घंटी मार दीजिए। मैडम जी ये तो मेरी जेब में ही था, आपका व्हाट्सएप नंबर इसी पे है ना? हाँ। अब तो आपका काम हो गया। ठीक है मैडम जी मैं चलता हूँ, नमस्कार। मैडम जी तू डिलीट कर ये वीडियो। क्यों क्यों, अच्छी नहीं बनी क्या? बकवास बंद कर और ये बता डिलीट कर रहा है या नहीं। क्यों इतनी बुरी तो नहीं बनी जो डिलीट कर दूं? मुझे भी ना तेरे से प्यार हो गया है पूजा। ब्लैक मेलिंग के चक्कर में तुझे जेल में चक्की पिसवा दूंगी। तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। ये गीदड़ बकिया किसी और को देना पूजा जाने मन। तेरी औकात क्या है मैं सब जानता हूँ, तेरा सारा बायोडाटा है मेरे पास। बाप का नाम जमललाल, गली गली घूमकर भंगार का काम करता था और कई बार तो चोरी के चक्कर में पुलिस से पिट भी चुका है। तूने 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 अपनी गरीबी के कारण रोहन के साथ मिलकर सुभाष की सारी जायदाद हड़पने का प्लान कर रखा है। वीडियो 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 पूरा नहीं देखा क्या? उसमें तेरी सारी प्लानिंग रिकॉर्ड है। यू रास्कल, करना क्या चाहता है तू? देख जाने मन, अंग्रेजी में गाली मत दे, समझ नहीं आती इसलिए ज्यादा नहीं सुलगती। मैं हिंदी में गाली दूंगा तो नीचे से 9 महीने तक सुलगती रहेगी। तेरे से इज्जत से बात कर रहा हूँ तो तू मेरे सिर पे चढ़ के मुँहतेगी क्या? वैसे तेरे लीगल हस्बैंड श्री सुभाष जी को मैंने अभी तक ये वीडियो भेजी नहीं है। तेरी असलियत पता चलते ही मुझे नहीं लगता कि तुझे तलाक के बाद एक फूटी कौड़ी भी मिल जाए। वैसे क्या ख्याल है, प्यार से एक बार आई लव यू बोल दे बस।